दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान राहुल ने भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए केएल राहुल को बीसीसीआई और कोच राहुल द्रविड़ ने कप्तान बनाया है। कप्तान बनते ही राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अकेले के दम पर साउथ अफ्रीका की टीम को हरा सकते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में केवल युवा बल्लेबाजों और गेंदबाजों को ही शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बार फिर संजू सैमसन की वापसी हो रही है, जबकि रिंकू सिंह, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार जैसे युवा बल्लेबाज पहली बार भारतीय टीम के लिए वनडे में डेब्यू करने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान केएल राहुल ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खतरनाक 11 भूखे शेरों को शामिल किया है, क्या होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11 संजू सैमसन की वापसी के बाद, क्या उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया गया है या नहीं। पहला, वनडे मुकाबला कब और कितने बजे से खेला जाएगा, इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप कैसे देख पाएंगे, तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि राहुल और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेस्ट कप्तान है। और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने आराम दिया है और अब उनकी जगह केएल राहुल को वनडे सीरीज में भारतीय कप्तान के रूप में चुना गया है। राहुल अपनी कप्तानी में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल करवाया है जो कि इससे पहले ये खिलाड़ी T20 मुकाबला ही खेले थे। नए चेहरे, उभरते हुए सितारे हमें इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला जोहान्सबर्ग में 17 दिसंबर को खेला जाएगा, जबकि दूसरा वनडे मुकाबला 19 दिसंबर को खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों, तीसरा वनडे मुकाबला 21 दिसंबर को पोलैंड पार्क में खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, पहला वनडे मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे मुकाबला शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप अपने टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर देख सकते हैं, जबकि इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर की जाएगी, जहां पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, अन्य कई सारी भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध है। जबकि दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे फॉर्मेट में हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अभी तक टोटल 91 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 38 मुकाबले में जीत दर्ज की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 50 मुकाबले में जीत हासिल की है। इस आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों, साउथ अफ्रीका का पलड़ा एक तरफ से भारी लग रहा है, लेकिन आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पर है। ऐसे में वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि हमारी भारतीय टीम ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया, लेकिन दुर्भाग्यवश ट्रॉफी नहीं जीत पाई। भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्म में इस समय चल रही है और अब तो युवा बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शामिल हो जाने से भारतीय टीम और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ऐसे में साउथ अफ्रीका को भारतीय प्लेयरों से सावधान रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना ज्यादा वक्त लिए आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान केएल राहुल ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन 11 ढाकड़ खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है, क्या होगी पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11, कौन से 2 नए खिलाड़ी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे, क्या संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों,
सबसे पहले हम भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो भारतीय टीम में पारी की शुरुआत करने के लिए हम सभी को दो नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते थे वनडे फॉर्मेट में, लेकिन अब दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साई सुदर्शन ओपनिंग करेंगे। दोस्तों आप सभी ने तो ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी का नजारा तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में देखा ही है, लेकिन साई सुदर्शन भारतीय टीम के लिए पहली बार वनडे फॉर्मेट में डेब्यू कर रहे हैं। आपको बता दें साई सुदर्शन IPL में गुजरात टाइटंस के लिए मैच खेलते हैं। गुजरात टाइटंस IPL की सबसे दमदार टीम मानी जाती है। सुदर्शन IPL के फाइनल मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और घरेलू मुकाबले में भी उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन है। जबकि दोस्तों नंबर 3 पर कप्तान राहुल ने तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा अब T20 फॉर्मेट के बाद वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करेंगे T20 फॉर्मेट में। तो तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से सबको बहुत प्रभावित किया, लेकिन अब वनडे फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है ये देखने वाली बात होगी। जबकि दोस्तों नंबर 4 पर विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए काफी सारे वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन वनडे फॉर्मेट में बहुत ही लाजवाब है। अभी तक नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने वनडे फॉर्मेट में 5 शतक लगाए हैं। वर्ल्ड कप और एशिया कप में भी अय्यर का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा था। जबकि दोस्तों नंबर 5 पर स्वयं कप्तान राहुल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरेंगे। राहुल कप्तान है और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 6 पर संजू सैमसन को कप्तान के एल राहुल ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में वापसी करवाई है। आपको बता दें काफी लंबे अरसे के बाद संजू सैमसन की भारतीय टीम में वापसी हो रही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया था। हम सभी उम्मीद करते हैं कि संजू सैमसन वापसी के बाद अब एक बेहतरीन लय में अफ्रीका के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। दोस्तों नंबर 7 पर राहुल ने अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अक्षर पटेल बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन गेंदबाजी भी बहुत ही खतरनाक तरीके से करते हैं। जबकि दोस्तों वहीं पर स्पिन गेंदबाजी के लिए उनके साथ यूजी चहल को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि यूजी चहल काफी लंबे समय के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप में उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया था। जबकि दोस्तों तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान दीपक चहर, मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह को दी गई है। आपको बता दें मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी, जिसके बाद उन्हें अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी खेलने का मौका मिला है। तो वहीं पर दोस्तों दीपक चहर भी काफी लंबे समय के बाद भारतीय टीम में वापसी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अंतिम दो मुकाबले में दीपक चहर को खेलने का मौका मिला था, लेकिन उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं था। लेकिन अब अफ्रीका के खिलाफ दीपक चहर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा हम सभी को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यह रही भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 3 वनडे मैचों की सीरीज में पहला वनडे मुकाबले के लिए जोहान्सबर्ग के मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला कौन जीतने वाला है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो हमेशा टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।